हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। समाचार में आज हम देखेंगे जो पंचायत चुनाव जिसका लगातार चरण बढ़ रहा है, बिरौल में मतदान होगा 24 तारीख को। एक बड़ा प्रखंड बिरौल जिसमें मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है, और अंतिम चरण अगर दरभंगा की बात करें और पूरे राज्य का 11वां चरण, 10वां चरण, उसके लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, वह भी 24 तारीख को समाप्त हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर। गांव की सरकार में किसकी हिस्सेदारी, किसकी भागीदारी, किसकी दावेदारी, और इस दावेदारी में 5 साल की सरकार में कौन आगे होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तय हो जाएगा। बिरौल प्रखंड की बात करें तो चरण दर चरण बढ़ता आगे पंचायत चुनाव, और उसमें 24 तारीख को तय हो जाएगा कि गांव की सरकार में किसकी जिम्मेवारी देगी जनता, जब 4 EVM और 2 मतपेटिका में वो अपना निर्णय देगी। जी हाँ, 24 तारीख को बिरौल में मतदान होना है। बिरौल एक बड़ा प्रखंड है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस लाइन से एक दिन पहले जहां मतदान सामग्री दे दी गई थी कर्मियों को, तो फोर्स और PCCP को रवाना किया गया पुलिस लाइन से। सारे साजो सामान और जो आवश्यक सामग्री है, हथियार वगैरह, और PCCP, फोर्स और मजिस्ट्रेट EVM लेकर रवाना हुए। चुनाव कराना है 24 नवंबर को बिरौल में, और इसके लिए तैयारियां पूरी। पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं और निष्पक्ष स्वच्छ वातावरण में हम लोग वहां चुनाव कराएंगे। सप्तम चरण का पंचायत चुनाव 24/11/21 को होने वाला है, उसी की तैयारी पुलिस लाइन से चल रही है। पुलिस लाइन से सभी बल और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति वहां चुनाव ड्यूटी के लिए किया गया है, जिसमें सब प्रस्थान कर रहे हैं। इसी के लिए गहमा गहमी पुलिस लाइन में बना हुआ है। वो यह चुनाव सप्तम चरण के चुनाव में 343 मतकेंद्रों की संख्या है, और जिसमें 197 भवन पर ये चुनाव होगा। इसमें 166 PCCP और मतदान भवनों पर स्टैटिक फोर्स की व्यवस्था भी 44 जगह किया गया है। मतदान सुरक्षित EVM के क्लस्टर भी, क्लस्टर की संख्या 25 है, सेक्टर की संख्या 50 है, सुपर जोनल 2 है, जोन की संख्या 6 है, प्रखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल की QRT मैंने बना हुआ है, 7 पोस्टों पर, इसके लिए जिलाधिकारी भी है। आदेशानुसार बिरौल सबको रिपोर्ट कराना है ब्लॉक में, और जहां उनका चुनाव स्थल है वहां तक उनको ले जाना है बिरौल अनुमंडल से। चुनाव के लिए यहां से दरभंगा पुलिस लाइन से बलों को भेजा जा रहा है, और हम लोग अभी तक करीब 25 बस भेज चुके हैं बल को, और बस आ रही है। धीरे धीरे हम सब व्यवस्था करके बिरौल अनुमंडल में भेज रहे हैं। और ये आखिरी चरण का नामांकन देख लीजिए किस तरह भीड़ है। गांव की सरकार के लिए किसकी जिम्मेवारी होगी, और ये मेला लगा हुआ है कुशेश्वर स्थान में। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर, आखिरी चरण का मेला, लोकतंत्र का यह महापर्व, और उसका है यह रेला। जी हां, नामांकन अंतिम दिन 24 तारीख को होगा समाप्त, लेकिन एक दिन पहले की स्थिति, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बांस बैरिकेटिंग लगाकर लोगों को रोका जा रहा है। प्रत्याशियों का नामांकन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन उस जोश पर, कोरोना पर जोश भारी और उत्साह, लोकतंत्र की सरकार में हिस्सेदारी, गांव की सरकार में भागीदारी, दावेदारी को लेकर। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए।
कंटिन्यू 1988 से कंटिन्यू हम मुखिया पद पर थे और वहाँ जो है 12 मास बाढ़ और बरसात के कारण से फसल सभी नहीं होता है, यही सब है और भविष्य में बनने के जा रहे हैं विकास का कार्य भी करें। इसके लिए बार बार सरकार से आग्रह करते रहे, सरकार पर ध्यान नहीं दे, तो उसमें जा करके जो मदद होता है उसी तरह से दिया जा रहा है। इससे पहले भी आप मुखिया रही है, दोबारा नॉमिनेशन की है, किस तरह का विकास छूट गया है जिसको पूरा करना है? काम छूटा है, बेर पंचायत के समस्त जनता जनार्दन के धन्यवाद दै छी जे हमे पहले बेर खड़ा भेलहुँ, हमरा जीतवा के हमरा सेवा करवा के मौका देलक और जहाँ तक रह गेल बेर पंचायत में विकास करवा के बात, तो जहिया से हम अयलहुँ जनता के एकदम हम दिन रात एक कर के सेवा केलहुँ और हम बहुत कम कि हमर युवा सब एकदम बढ़ चढ़ के हमरा आई में हिस्सा लिया और हम युवा पंचायत और कितने वरिष्ठ नागरिक छोटनिक सबके हम अपने आचरण समय एकदम दिन रात एक पक्ष सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा। हम वोटर को शुभकामना देते हैं, बहुत खुशी से हम प्रजा के नॉमिनेशन करवाए हैं। इसके अलावा जो बिरौल है उसके बाद सिंहवाड़ा और हनुमान नगर में 29 तारीख को मतदाता गांव की सरकार में किसकी भागीदारी होगी, किसकी दावेदारी होगी, किसकी हिस्सेदारी होगी, किसकी जिम्मेवारी होगी ये तय करेंगे। दो दिन बाद मतगणना है। बिरौल में जो 24 तारीख को मतदान होना है, 26 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार है, किसकी भागीदारी है और किसकी हिस्सेदारी है गाँव के विकास में। उसी तरह जो 29 तारीख को चुनाव सिंहवाड़ा हनुमान नगर में होना है, दो दिन के बाद मतगणना है और उसके अगले चरण में घनश्यामपुर और गौड़ा बोराम में 8 दिसंबर को वोट पड़ेंगे और अंतिम चरण सबसे आखिरी चरण कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर में 12 दिसंबर को मतदान होना है, यानी 15 दिसंबर तक पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था। कोरोना काल के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सका, हालांकि उससे पहले हम बात करें तो ईवीएम से हो या मतपेटिका से इस कानूनी पेच और विवाद में फंसा रहा राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच विवाद कई दौर की बात हुई और यह बात ही हो रही थी कि कोरोना काल आ गया और अंततः 15 जून तक इसकी मियाद समाप्त हो रही थी और सरकार ने निर्णय लिया कि 6 महीने अवधि विस्तार करना है और इसके लिए 6 महीने का अवधि विस्तार 15 दिसंबर तक किया गया और आखिरी चरण में 11 चरण घोषित किए गए। दरभंगा में तो पहले चरण में मतदान नहीं था लेकिन बेनीपुर और अलीनगर से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद बहेड़ी, मनीगाछी, तारडी और क्रम बढ़ता गया। बाढ़ और बारिश की विभीषिका को देखकर कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर पूर्वी, कीरतपुर, गौड़ा बोराम, घनश्यामपुर, बिरौल इत्यादि, जो हनुमान नगर इत्यादि है, इन सब इलाकों का नामांकन से लेकर वोटिंग प्रक्रिया अंतिम चरण में रखा गया और इसी के तहत अगर हम बात करें तो नवंबर माह में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बिरौल है, उसमें हनुमान नगर है जो हमेशा डूबा रहता है। गौड़ा बोराम और घनश्यामपुर में 8 दिसंबर को वोट पड़ेंगे जबकि कुशेश्वर, कुशेश्वर पूर्वी और कीरतपुर में 12 दिसंबर को, 14 दिसंबर को मतगणना है, यानी 15 दिसंबर तक पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पंचायत का गठन हो जाएगा। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, दावेदारी, भागीदारी, किसकी होगी जिम्मेवारी यह तय हो जाएगा 18 प्रखंड के सभी पंचायत में, जहां जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य के अलावा सरपंच और पंच चुने जाएंगे और लगभग 10,000 जनप्रतिनिधि गांव की सरकार में 5 साल के लिए जिम्मेवारी लेंगे। मतदाता अंतिम दिन 12 दिसंबर को इस पर मुहर लगाएंगे। निष्पक्ष चुनाव के लिए, पारदर्शिता के लिए, स्वच्छ चुनाव के लिए लगातार फोर्स की नियुक्ति हो रही है। ये प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू हुआ तो 12 दिसंबर तक वोट पड़ने का और 15 दिसंबर तक
पंचायत चुनाव पूर्ण होने का है, एक लंबी अवधि में गांव की सरकार में किसकी दावेदारी होगी, किसकी हिस्सेदारी होगी, किसके भागीदारी होगी, यह तय होगा अगले 5 साल तक के लिए।